इस साल जब गली बॉय ऑस्कर में गई थी बॉलीवुड की तरफ से, तो मुझे पक्का यकीन था कि गली बॉय ऑस्कर लेकर ही आएगी, बॉलीवुड को पहला ऑस्कर मिलकर रहेगा इसका। टेक्निकलिटी फिल्म बहुत स्ट्रांग थी, टेक्निकलिटीज के साथ साथ जो माहौल अच्छा आया, रैपिंग इंडस्ट्री को जो बूम मिला और रैपर्स को जो ग्राउंड लेवल पर काम किया रणवीर सिंह ने मिलकर, बैकग्राउंड पे जो चलता रहा रैपर्स को लेकर, और पूरे इंडिया में टिकटॉक पर हर जगह जो डायलॉग्स का और जो इसके गानों का अपना टाइम आएगा, जो टी शर्ट चली, मतलब पूरे माहौल में था इंडिया गली बॉय के। तो लग रहा था कि ऑस्कर शायद ले आएगी, शायद उनके पैरामीटर्स पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी। लेकिन कल 65th फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर जो गुवाहाटी में हुआ, इस बार मचा डाला मतलब गली बॉय ने। ये हिस्टोरिकल था, न्यू बेंचमार्क सेटअप किए गली बॉय ने कि 19 नॉमिनेशन थे फिल्म के, जिसमें से 13 अवार्ड फिल्म को मिले हैं। अब सारे तो मुझे याद नहीं, कुछ क्रिटिक्स के हैं, कुछ टेक्निकल अवार्ड हैं। तो अगर बड़े अवार्ड पर नजर मारे हम, गली बॉय को जो मिले हैं, बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर फॉर गली बॉय, बेस्ट स्क्रीन प्ले जोया अख्तर एंड रीमा कागती फॉर गली बॉय, बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह फॉर गली बॉय, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट फॉर गली बॉय, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल एमसी शेर सिद्धांत चतुर्वेदी फॉर गली बॉय, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल अमृता सुभाष जो फिल्म के अंदर रणवीर सिंह की मां बनी है, बेस्ट डायलॉग्स विजय मौर्या गली बॉय, विजय मौर्या जो फिल्म के अंदर रणवीर सिंह के मामा जी भी बने हैं, जिनकी एक इंडस्ट्री होती है जहां पर रणवीर सिंह काम भी करते हैं, दैट इज विजय मौर्या, बहुत टैलेंटेड है वो। सो डायलॉग्स हम देख सकते हैं फिल्म के कितने वेटेज थी डायलॉग्स के अंदर, तो ये वेटी डायलॉग्स विजय मौर्या जी ने लिखे हैं। इसके अलावा बेस्ट म्यूजिक एल्बम गली बॉय जो कबीर सिंह के साथ शेयर किया है इन्होंने, अवार्ड दोनों को मिला है। और ये बनता था क्योंकि दोनों ही एल्बम्स मतलब 2019 की बेस्ट थी एल्बम्स, और ये दोनों ही मतलब मेरी प्लेलिस्ट में दोनों ही रहती थी हमेशा। बेस्ट लिरिक्स अपना टाइम आएगा, तो ये सारे अवार्ड्स गली बॉय को मिले। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, जैसे कि बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल जो मन्नू दोसानी को मिला मर्द को दर्द नहीं होता को लेकर, अब उनकी अगली फिल्म आ रही है निकम्मा शिल्पा शेट्टी और शर्ली सेतिया के साथ। बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल अनन्या पांडे फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एंड पति पत्नी और वो। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह फॉर क्लंक टाइटल ट्रैक। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव फॉर घुंगरू, वॉर फिल्म का गाना था जो। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अगर आपको बाकी पूरी लिस्ट देखनी है जिसमें क्रिटिक्स अवार्ड्स भी है, टेक्निकल अवार्ड्स भी है, उसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे ब्लॉग का, और वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस रह गई या किसी और को ये अवार्ड मिलना चाहिए था जो यहाँ पर अभी किसी और को मिला है, तो आप हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, देन लाइक इट एंड शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। तो देखते हैं आप बहुत से अवार्ड आगे आने वाले हैं, जो भी आते रहेंगे बड़े बड़े अवार्ड हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बट माई अवार्ड फॉर एनी कैटेगरी एंड एनी अवार्ड विल डेफिनेटली गोज टू गली बॉय, क्योंकि फिल्म में बहुत बातचीत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।